हम लोग सबको ही जानते हैं कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, आप भी कहीं ना कहीं जानते होंगे, हम भी कहीं ना कहीं जानते हैं। बट एक यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक पार्ट ऐसा है जिसमें अगर इन्फेक्शन पहुंचता है, जो रेयर होता है और जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पे इन्फेक्शन पहुंचता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो आखिर वो कौन सा इन्फेक्शन है जो यूरिन ट्रैक्ट की नॉर्मल इन्फेक्शन से सीवियर में बदल जाता है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और ये क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो बाकी लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हमारा जो यूरेथ्रा होता है, यहाँ यानी कि जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, उसके द्वारा, उस रास्ते के द्वारा जब बैक्टीरिया हमारे यूरिन ट्रैक्ट में पहुंचती है तो यूरेथ्रा में या ब्लाडर में इन्फेक्शन कराती है, वो आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में उसके बारे में बात किया हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक कहीं ना कहीं ऊपर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। तो आखिर ये कौन सा इन्फेक्शन है, तो ये है किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन अमूमन क्या होता है, जब कोई भी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो नॉर्मल है, कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, अनकॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हो, सिंपल जो होता है, जब उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, उसका निवारण सही तरीके से नहीं होता है, इलाज नहीं होता है, तो वो इन्फेक्शन धीरे धीरे यूरेटर के द्वारा किडनी तक पहुंच जाता है। मतलब कि जो नली यूरिन को किडनी से लेके ब्लैडर तक आती है उसके द्वारा वहां तक पहुंच जाता है और किडनी को इन्फेक्ट कर देता है। कभी कभी दोनों किडनी इन्फेक्ट हो जाते हैं, एक किडनी से दूसरा किडनी में भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, इसमें किडनी डैमेज और किडनी फेलियर का खतरा हमेशा बना रहता है, ये जानलेवा हो जाता है। लेकिन आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। तो एक तो रीज़न हो गया कि आपका यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक नहीं किया गया, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ तक फैल गया, सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वहाँ फैल गया। दूसरा रीज़न होता है ब्लॉकेज। कभी कभी क्या होता है, स्टोन वगैरह की वजह से यूरिन के रास्ते में ब्लॉकेज रहती है, जिसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। एक और रीज़न होता है फ्लो रुकने का, कि जो यूरेटर होता है रास्ते में सिकुड़ जाता है या वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इस केसेस में क्या होते हैं कि जो यूरिन होते हैं बैक फ्लो करते हैं, यानी कि वापस किडनी की ओर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक और रीज़न होता है कि प्रोस्टाइटिस जब होती है किसी को, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है और उससे किडनी में इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बने रहता है। एक और रीज़न होता है कि कभी कभी बॉडी के दूसरे पार्ट से इन्फेक्शन ब्लड में ट्रैवल करके किडनी को इन्फेक्ट कर देते हैं और किडनी में इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है, तो सबसे कॉमन सिम्टम जैसे किडनी स्टोन में होता है बैक में पेन, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे किडनी में इन्फेक्शन होता है तो बैक पेन होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, यूरिन करते समय पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, बुखार आ जाती है, अमूमन बुखार आ जाता है, कभी कभी ठंड लगता है, बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ आपके सिम्टम्स हैं यूरिन इन्फेक्शन के, किडनी इन्फेक्शन के, जो देखने को मिलते हैं। हाँ, एक दो सिम्टम्स जो यूरिन इन्फेक्शन में रेयर देखने को मिलता है लेकिन किडनी इन्फेक्शन में अमूमन देखने को मिलता है, वो है हेमेटोरिया। हेमेटोरिया का मतलब ये होता है कि किडनी से ब्लड छन के यूरिन के साथ बाहर आ रहा है। ये दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल होता है जब आंखों से दिख जाता है, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप में ही दिख पाता है। उसके अलावा क्लाउडी यूरिन आना और यूरिन का स्मेल बहुत ज़्यादा होना, ये भी कुछ सिम्टम्स हैं आपको किडनी इन्फेक्शन के, जिससे पता चलता है कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। सिम्टम्स हो गए, काउज हो गए, इलाज भी तो होगा, उसके पहले डायग्नोसिस, कि डायग्नोस कैसे करते हैं, पता कैसे करते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन हो गया। सबसे कॉमन तरीका होता है यूरिनलाइसिस, जिसमें यूरिन के कंपोनेंट को डायग्नोस एग्जामिन किया जाता है। इसके अलावा सेकंड होता है कि 24 आवर्स के लिए आपका यूरिन कलेक्ट होता है और उसको एग्जामिन करते हैं, उससे पता चलता है किडनी का कंडीशन किस तरह का है। केराटिनिन की जाँच होती है, ब्लड टेस्ट होता है, जिसका मतलब ब्लड टेस्ट से ही बहुत कुछ हमको पता चलने चल जाता है, जिसमें क्रिएटिनिन का लेवल अगर बड़ा है घटा है वो भी पता चलता है, उसकी वजह से भी आपको पता चलती है कि किडनी कंडीशन कैसा है। और उसके बाद जब इन सब चीज़ों से कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करा के भी किडनी का जो स्टेटस है, कैसा किडनी अभी है, उसके बारे में पता करके कन्फर्म होते हैं कि किडनी में इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं डायग्नोसिस के। इसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है।
तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, जो मैंने एक दवाई बताई थी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, सल्फा मेथोफ्राजोल और ट्राइमेथोप्रीन, ये दवा सबसे ज़्यादा यूज होता है और ये बहुत पुराना एंटीबायोटिक है, इसको हम लोग को ट्राइमोक्साजोल नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आपको ओफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, इन सब दवाइयों का उपयोग होता है और कभी कभी आपको सेफोरुक्सिम या फिर सेफ्ट्राक्सोन का इंजेक्शन का भी यूज़ किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। ये कॉमनली यही दवा उपयोग होते हैं किडनी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और कभी कभी फेरोपेनम का भी उपयोग करके किडनी इन्फेक्शन को ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ दवाएं हैं जिसकी वजह से, जिसका उपयोग करके आप किडनी इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हो, किडनी इन्फेक्शन को कम कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और, दवाएं कभी भी अपने मन से आपको नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लेने के बाद ही दवाई लीजिए, और जब भी एंटीबायोटिक लीजिए तो डोज उसका पूरा करें, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो ये आपका किडनी इन्फेक्शन के लिए कौन कौन सी दवाएं चलती हैं वो है। प्रिवेंशन में क्या करना होता है, तो प्रिवेंशन के लिए आपको हमेशा मैंने कहा है कि जब भी यूरिन इन्फेक्शन से बचना हो आपको पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कम से कम 3 लीटर पानी, मैक्सिमम 3.5 लीटर पानी आपको पीने हैं। इससे क्या होगा कि यूरिन ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा यूरिन निकलेगा तो जो भी टॉक्सिन्स होंगे, जो भी इन्फेक्शन होंगे, और ये आपको किडनी स्टोन को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो कैल्शियम डिपॉजिट होने का चांस होता है वो भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, जितने मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, तो पानी ज़्यादा पीजिए। इसके अलावा हमेशा हाइजीनिक प्लेस पे ही यूरिन पास करने का कोशिश करिए, कॉमन प्लेसेस में अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उसके अलावा महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका एनाटॉमी थोड़ा सा चेंज होता है, उनका एनस और यूरेथ्रा के बीच की दूरी छोटी होती है, इसीलिए वो आसानी से बैक्टीरिया जो है यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वाइपिंग जो होता है आफ्टर पासिंग स्टूल, उसको पीछे से आगे की ओर नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके अलावा और क्या रीज़न है, तो प्रिवेंट करिए किडनी में स्टोन बनने से, उसके लिए क्या करना होगा, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। किडनी स्टोन पर भी एक मेरा वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और शायद ऊपर में भी एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं कि क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप किडनी स्टोन से बच सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अभी फिर मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।